तो जबलपुर में आरटीओ संतोष पॉल पर ईओडब्ल्यू ने कसा शिकंजा। धनकुबेर आरटीओ के घर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में 16 लाख कैश भी बरामद किए गए। शहर में 6 मकानों का मालिक है आरटीओ। करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी इस दौरान बरामद हुए हैं। तो आरटीओ के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। आपको बता दें, लंबे वक्त से आरटीओ के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी और वहीं आय से दोगुना संपत्ति को लेकर भी आरटीओ के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसा और छापेमारी की तो कई दस्तावेज भी मिले, वहीं मकान के साथ साथ कई कैश भी बरामद हुए। कल रात में लगभग 10:30 बजे यहाँ पर शताब्दीपुरम में इनके निवास स्थान पर जबलपुर और सागर की ईओडब्ल्यू की टीम संयुक्त टीम के द्वारा सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मौके पर भी सर्च कार्रवाई जा रही है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है उसके आकलन के बाद इसके बारे में। तो शहर में 6 मकानों का मालिक है आरटीओ। जब छापेमारी की गई कई बड़ी बातें सामने आई है, जहां पर आरटीओ संतोष पॉल के खिलाफ अब लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि धनकुबेर आरटीओ के घर पर जब ईओडब्ल्यू ने छापा मारा तो कई मकान, गाड़ियां, कैश के साथ साथ दस्तावेज ईओडब्ल्यू के हाथ लगे हैं। लंबे वक्त से आरटीओ के खिलाफ शिकायतें लगातार मिल रही थी और अब ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरटीओ मालिक को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही लगातार कार्रवाई जारी है। करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए। इसके साथ ही कई मकान भी आरटीओ के नाम पर है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई तमाम ऐसी चीजें, ऐसी बातें छानबीन में सामने आ रही है जिसको लेकर ईओडब्ल्यू लगातार कार्रवाई कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, आपका रुख करूंगी, फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि कार्रवाई ईओडब्ल्यू द्वारा कर दी गई है, फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल श्रावणी, देखिए आपको बता दें कि कल रात से ये कार्रवाई जो है ईओडब्ल्यू की लगातार जारी है। जो अभी तक की जांच है उसमें 650% से अधिक जो है आय से संपत्ति का मामला कहीं ना कहीं खुलासा पूरी जांच में हुआ है, क्योंकि अभी संपत्तियों की जांच जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। उनका जो बाजार मूल्य है वो पता कराया जा रहा है और 6 जो आवासीय भवन है वो आरटीओ जो संतोष पाल है उनके मिले हैं। इसके अलावा कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। 16 लाख रुपए नकद जो है वो ईओडब्ल्यू की टीम ने जब्त किए हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा की नकदी जो है वो आरटीओ संतोष पॉल के ड्राइवर के पास से मिली है। दोनों जो पति पत्नी हैं, संतोष पॉल जो आरटीओ है और उनकी पत्नी जो लिपिक आरटीओ विभाग में है रेखा पॉल, दोनों से पूछताछ कहीं ना कहीं जो है वो ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। इसके साथ ही जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, वो भी बड़ी जो बेनामी संपत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इनके नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई है और कहीं ना कहीं जो जांच है अब वो रिश्तेदारों तक पहुंची है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक फार्म हाउस जो है वो चरगुमा में मिला है, लगभग 1.5 एकड़ का ये फार्म हाउस है। इसके अलावा जो भवन था, भवन में अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि थिएटर और स्विमिंग पूल के अलावा जो है वो बार भी, मिनी बार भी जो है वो इस आलीशान भवन में बना रखा था। तो जांच अभी जारी है और जब तक जांच खत्म नहीं हो जाती तो तब तक ये जानकारी अभी सामने नहीं आ रही कि आखिर ये जो संपत्तियों का मूल्य है ये कितना, क्योंकि बाजार से जो बाजार मूल्य है संपत्तियों का उनका असेसमेंट अभी कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि ये संपत्तियां कितने की है। जो टीमें हैं वो सुबह से लगी हुई, कल रात से लगी हुई हैं और जांच अभी भी जारी है ईओडब्ल्यू की। लंबे समय से जो शिकायतें हैं आरटीओ संतोष पॉल के खिलाफ वो कहीं ना कहीं एजेंसियों को मिल रही थी और जो हाईकोर्ट ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत है वहां पर भी आज अधिक संपत्ति का मामला जो है वो लंबित था। जो याचिकाकर्ता है उन्होंने मय साक्ष्य के सबूतों सहित जो है वो परिवाद प्रस्तुत किया था जिसमें अगले कुछ दिनों में सुनवाई होनी है। लगातार विवादों में जो है वो संतोष पाल रहे हैं। इसके पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ऑटो वाले को, ऑटो चालक को गांजे रख के जेल पहुंचाने की धमकी देते हुए संतोष पाल नजर आए थे। इसके अलावा फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला था जो कि हाईकोर्ट तक पहुंचा था उनका। इस
इसके अलावा अगर बात की जाए तो मनमानी वसूली के आरोप जो है वो लोग लगाते रहे, जो ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन है वो उन्होंने कई आरोप लगाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वीआईपी जो नंबर होते हैं वो उन नंबरों पे मनमानी वसूली का आरोप भी जो है वो आरटीओ संतोष पाल पे लगता रहा। तो लंबे समय से जो है मलाईदार विभाग पे रहे, 4 साल से एआरटीओ के पद पे जबलपुर में पदस्थ थे, लेकिन प्रभार जो था वो आरटीओ पद का था। तो लंबे समय से जो है वो शिकायतें कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पास थी और अब जाकर कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई। तो अभी बिल्कुल राजेश, क्योंकि लगातार यूडब्ल्यू द्वारा जांच तो जारी है, लेकिन अब तक की जो जांच में तमाम बातें सामने आ रही है उनके प्रॉपर्टीज को लेकर, आय से अधिक उनके पास संपत्ति है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज जो है यूडब्ल्यू के हाथ लगे हैं। क्या कुछ वो दस्तावेज है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई हो फिलहाल? देखिए, संपत्तियों से जुड़े हुए ये दस्तावेज हैं जिनकी जांच ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। इसके अलावा कई रिश्तेदार जो हैं उनके नाम से बेनामी संपत्तियों का पता जो है वो चला है, जिसकी भी जांच जो है वो ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कई और दस्तावेज जो है उनको खंगाला जा रहा है, बैंक लॉकर अभी खोले जाने हैं। जाँच टीम जो है वो लगातार उनके जो 6 आवासीय भवन है वहाँ पर टीमें पहुंची हुई थी। इसके अलावा जो चरकवा का फार्म हाउस है वहाँ पर टीम आरटीओ संतोष पाल को लेके गई थी। इसके अलावा जो गड़ा फाटक में उनके 2 पुराने भवन हैं उन पर भी जांच कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है। अभी चूंकि अभी जांच जारी है और जांच जैसे ही खत्म होगी, शाम तक का ईओडब्ल्यू के द्वारा कहा गया था कि शाम तक वो इस पूरे मामले पर कितनी संपत्ति है, क्योंकि 650 गुना ये संपत्ति भी आज से अधिक बताई जा रही है, लेकिन इन संपत्तियों का मूल्य कितना है ये अभी असेसमेंट जारी है और शाम तक ईओडब्ल्यू के द्वारा कहा गया था कि पूरा असेसमेंट होने के बाद। बिल्कुल राजेश, समय का इंतजार करना पड़ेगा कि जांच में क्या कुछ अन्य अहम बातें सामने आते। फिलहाल